फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, नाश्ता वगैरह सब हो गया है, बाकी का काम अभी हमारा बचा हुआ है जो गीता करेगी। और मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ। और एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ, एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है उनसे मिलने के लिए उनके घर पर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो मेरा देखना, पूरे वीडियो में मेरे बने रहना। आई थिंक उनको सबको ही जान सभी जानते हैं, मतलब उनको, वो इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं जिनके घर मैं जा रही हूँ मिलने। यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, ये वाला मैंने सूट पहना, देखो ये वाला, और ये आज मैंने पहली बार ही पहना। ये वाला जो दुपट्टा मैंने उस दिन वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, इसी सूट के साथ में मैं लेकर के आई थी। ये वाला सूट मैं मेरठ गई थी एक बार, मेरठ से ही लेकर के आई थी, जो होता है ना थान में से कटवा करके, मुझे पसंद आया था ये वाला कलर। अब गर्मियों के लिए थोड़े से लाइट कलर अच्छे लगते हैं, ये वाला सूट, तो यही मैंने पहना है। ईशु भी तैयार हो गई है और हमारे साथ में भाभी भी जा रही है, मेरी फ्रेंड है जो सही था, भाभी भैया लेके जा रहे हैं हमें। और मैं आपको रास्ते में ना क्लू देती हुई जाऊंगी किसके घर जा रही हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर कोई गेस कर पाए तो कि कहाँ जा रही हूँ मैं, किसके घर, क्योंकि बीच बीच में मैं जो भी जाऊंगी रास्ते का क्लू देती हुई चली जाऊंगी आपको। और मैं उनके घर बहुत एक्साइटमेंट हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतनी खुशी हो रही है ना, जिनकी हम वीडियो देखते हैं आज उनको हम सामने से बैठ के बातें करेंगे, उनके घर मिलेंगे। उनका भी सुबह से फोन आ चुका है कि कितने बजे निकल रहे हो आप, बातचीत हो गई है मेरी, तो अभी क्या है 10:30 बज रहे हैं। सुबह का काम हमारा नॉर्मली आधे से ज्यादा काम हमारा हो गया है और बाकी का काम सारा गीता कर लेगी। अभी तो पोछा वगैरह रह गया है तो जो गीता करेगी, क्योंकि मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, तो चलती हूँ। हम मिलती हूँ आपको बीच में, रास्ते में मिलती रहूंगी और क्लू देती रहूंगी, तो प्लीज पूरा वीडियो देखना और देखना मैं कौन सी बड़ी यूट्यूबर है जिनके घर जा रही हूँ मिलने के लिए, और आप लोगों को भी मिलवाऊंगी उनसे, तो प्लीज मेरा वीडियो देखते रहना आप लोग। तो मिलती हूँ मैं आपको आप आगे रास्ते में। तो अब हम रास्ते में पहुंच गए हैं, मतलब अभी थोड़ी दूरी पहुंचे हैं अपनी कॉलोनी से निकल के, गाड़ी में है, ईशु है इधर, हाँ हेलो भी बोल दे, भाभी है, भाभी हेलो दिख रही है ना अंधेरे में और ड्राइवर को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि हाय हेलो करने के चक्कर में पता चला हमारी गाड़ी ठुक जाए कहीं, इसलिए उनको मैंने नहीं बोला है। अभी तो हम घर यहाँ से घर से निकले ही हैं, थोड़ी ही सी दूर पर पहुंचे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। रास्ता मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत बार मैं पहले भी वीडियो में ये रास्ता आप लोगों को दिखा चुकी हूँ यहाँ का, तो आप लोगों को आगे चल के मिलती हूँ मैं। फ्रेंड हम यहाँ पहुंच चुके हैं मोदी नगर, सॉरी मुरादनगर। तो मुरादनगर में यही था कि चलो स्वीट ले लेते हैं, क्योंकि जब घर मिलने जा रहे हैं जिनसे तो अब थोड़ा मीठा तो बनता ही है, पहली बार जा रही हूँ ऐसे अच्छा सा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम घर में मिठाई खरीद रही हूँ, तो बस वही था कि यहाँ से मिठाई खरीदने के बाद में उसके बाद हम लोग निकल गए आगे रास्ते के लिए। तो आप लोगों ने ध्यान दिया मैं मोदी नगर मुरादनगर होते हुए जाऊंगी, तो गेस किया आपने, अगर किया है तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोगों को मैंने पहली बोला है कि मैं क्लू छोड़ती हुई जाऊंगी, और उनको आप जानते हो सब लोग अच्छे से, सब वीडियो देखते हो उनकी, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना कि किसने पहले गेस कर लिया था। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ ये गन्ने की जो बुगियाँ, एक्चुअली इधर ट्रैफिक हो गया था थोड़ा कम दिख पा रही हैं, यहाँ पर है मोदी में शुगर मिल, उसके बाहर ये गन्ने की बहुत सारी बुगियाँ खड़ी हुई थी, बहुत लंबी लाइन लगी होती है, तो वही सब मैंने दिखाई थी। उसके बाद में ये है मोदी मंदिर जो मोदी नगर के अंदर ही है, तो यही था कि पहले चलो मंदिर चलते हैं, थोड़े से मंदिर के मतलब दर्शन ही कर लेते हैं क्योंकि कहीं जा रहे थे हम लोग, तो यही था कि चलो दर्शन कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम मंदिर के अंदर, आज मैं पहली बार ही यहाँ मोदी मंदिर में मतलब इसमें दर्शन करने के लिए आई हूँ, तो वही सब था। मैं भाभी ईशु सूट कर रही है भैया, तो यहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, तो जिनसे मिलने जा रही हूँ उनका फ़ोन आ गया था कि आप लोग कहाँ पहुँच गए हो, कितनी देर में आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ना, हम जिनको जानते नहीं है वो इस तरीके से मतलब हमें अच्छे से बातचीत करना, मिलना, सच में बहुत अच्छा लगा। देखना आगे मेरी वीडियो में बने रहना, बहुत अच्छे से हम लोगों ने बातचीत करना ये सब किया। और दर्शन एक्चुअली अंदर का शूट करना अलाउड नहीं था, मैं बहुत अंदर का शूट नहीं मंदिर का कर पाई थी। और ये रास्ता वो हमेशा अपनी वीडियो में दिखाती हैं आपको, अगर किसी ने देखा ध्यान से देखा है तो आप प्लीज़ बता देना मुझे, उनकी वीडियो में अधिकतर यही रास्ता दिखता है जब वो मोदी नगर आती हैं, तो बताना आप लोग किसने गैस किया है। तो मैं फटाफट पहुँचती हूँ उनके घर और उसके बाद में फिर आगे। ये देखो यहाँ पर घोड़ा तांगे में थोड़ा सा शूट किया था, मतलब जा रहा था साइड से, और कितना हरा भरा है, ईख वगैरह
अब उनके गांव में हम पहुंच चुके हैं और ये मंदिर है उनके घर से थोड़ा सा पहले, उनके वीडियो में भी दिखता है, बहुत सुंदर मंदिर है ये। थोड़ा सा सोचा मैं आपको मंदिर के अब सीन भी दिखा देती हूँ। और ये इस तालाब से आपको कुछ याद आया होगा तो प्लीज़ बताना हम किन के घर पहुँच चुके हैं हम वहाँ। और उनके बाद में उनका घर भी हमने बाहर से आपको दिखा दिया है, तो आप लोग शायद ही सब लोग समझ गए होंगे कि मैं किन से मिलने के लिए गई हुई हूँ। तो यहाँ तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं उनके, अब सामने ही आप देख रहे होंगे। तो मैं गई थी अंशु जी से मिलने के लिए, अंशु त्यागी जी, जो उनका तो सभी जानते हैं, इंडियन व्लॉगर अंशु उनका चैनल का नाम है। तो मैं उनसे ही मिलने के लिए गई थी, सभी वीडियो देख रहे थे, देखते हैं आप सब, और जो नहीं देखते हैं तो प्लीज़ वो भी उनकी वीडियो देखना। उनके चैनल का नाम है इंडियन व्लॉगर अंशु। यहाँ हम सब लोग बैठे गप्पे लड़ा रहे थे, उनकी मम्मी बैठी है अंशु के सामने, उनके पापा बैठे हैं इधर, भैया भाभी और मैं ईशु हैं। तो चाय नाश्ता हमारा हो गया था, उसके बाद ही चलो थोड़ी देर शूट कर लेते हैं। बहुत अच्छी फैमिली है सच में, और बहुत टाइम हम रुके थे वहाँ पर, और ऐसा नहीं फील हुआ कि हम पहली बार मिले हैं, ऐसा लग रहा कितनी बार वो हमसे और हम उनसे मिल चुके हैं। खूब हंसी मजाक वहाँ पे बहुत हुआ और सच में सबका बहुत मन लगा था। तो कहते हैं ना कि हम लोग जिनको देखो नहीं जानते ऐसे मिलते हैं, कितना अच्छा, सच में ही सब लोग कितने अच्छे थे, हम लोगों को मिलकर के बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे भाभी भी मतलब बहुत खुश थी, क्योंकि भाभी भी बहुत मतलब मुझसे पहले से वीडियो देखती है उनकी, और बहुत ज्यादा उनको पसंद थी, हमेशा बोलती रहती है कि मुझे अंशु की जो आवाज है ना, वो ऐसा लगता है जैसे रेडियो मिर्ची पर जो बोल रही है, बहुत उनको पसंद थी वो। और आप देख रहे होंगे यहाँ गन्नू है ना मेरे पास ही बैठा हुआ, मैं डबिंग कर रही हूँ और गन्नू बीच बीच में कुछ कुछ बोले जा रहा है। और उसकी आदत यह है कि जो मैं बोलती हूँ ना उसी को ही रिपीट करता रहता है, तो वही कर रहा है वो। मैंने उनके चैनल का नाम बताया था तो वो भी मुझे उनके चैनल का नाम ही रिपीट कर रहा है बैठ कर के। तो बच्चों का तो यही होता है ना कि जो बड़ों से सुनते हैं वही रिपीट करते रहते हैं। सच में ही बहुत अच्छा लगा था। आप लोग भी उनको वीडियो देखते हैं, पर्सनली मिलते हैं ना, जब कहते हैं हम वीडियो देखते हैं जब अलग है, पर्सनली मिलते हैं लोगों को जब पता चलती है कि सामने वाला कितना अच्छा नेचर है उनका। और मैं कितनी तारीफ करूं उतना कम है, आपको मैं इतना बता सकती हूं कि बहुत अच्छा मुझे लगा था। और आप लोग देख भी सकते हो, बहुत मस्ती करी थी हम लोगों ने उनसे, उनके घर पे मतलब सब लोगों ने बैठ करके बातचीत करना वो सब। यहाँ देख रहे होंगे आप भैया अभी बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली भैया भी उधर ही साइड के हैं, और फिर बात ही बातों में होता है ना कि बहुत सारी रिश्तेदारियां निकल आती हैं, और हम लोगों की लेडीज की तो खास करके आदत है क्या आप वहाँ की, तो उनकी मेरी ससुराल में भी मतलब रिश्तेदारी निकली थी, तो वही सारी बातें करते करते बहुत टाइम वहाँ हमें हो गया था। हम लगभग 3 से 4 घंटे शायद वहाँ रुके, 4 घंटे के आसपास हम लोग वहाँ पे रुके थे, खूब एंजॉय किया, बातचीत करी, और उन्होंने भी मतलब लग नहीं रहा था कि हम लोग पहली बार उनके घर गए हैं, पहली बार उनसे मिले हैं हम, ऐसा लग रहा था बहुत टाइम से एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं और जानते हैं। फ्रेंड कैसे हो आप सब? तो मैं आई हूँ आज अंशु जी के घर मिलने के लिए, आप देख रहे हो, सॉरी अंशु के घर मिलने के लिए। बहुत बार बोल लिया है वो, एक्चुअली क्या है सबको जी कहने की आदत हो गई है ना, तो इसलिए तो अंशु के घर मिलने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। तो ये सारी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मिली हुई, इनकी वीडियो मैं हमेशा देखती हूँ, और मेरे चैनल का नाम कुसुम फैमिली ब्लॉग है, आप सबको पता ही है, आप लोग सब देखते ही हो मेरा वीडियो, तो आप लोग सब देखना। और अंशु के चैनल को जिसने नहीं देखा, ऐसे तो मुझे पता है सभी लोग देखते हैं उनके चैनल को, लेकिन जो भी अगर बच्चे हों तो प्लीज उनकी वीडियो भी जरूर देखना। तो और क्या बोलूं, अगर मेरे व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हो तो इनके चैनल को भी उतना ही सपोर्ट करना जितना आप मुझे सपोर्ट करते हो, क्योंकि आप सब लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और फिर से हेलो एवरीवन, क्योंकि मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में बोलना। तो ये मुझसे आज मिलने के लिए आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आए हैं, काफी टाइम से बोल रही थी ये कि आना है आना है, मुझे इन्होंने बोला था कि आएंगी, मुझे लगा पता नहीं कब तक आएंगी, फिर उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैं 1 या 2 तारीख के बाद ही आना होगा, तो ये आज फाइनली आ गई है। क्योंकि जब कोई मिलने आता है ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमसे कोई मिलने के लिए आया है, अच्छा लगता है ना। हाँ, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और सच में पहली बार हम इन लोगों से मिल रहे, लग नहीं रहा है कि हम लोग पहली बार एक दूसरे के साथ में, खूब सारी बातें हुई है, खूब अच्छे से हम लोग मिले हैं, और फैमिली के साथ ही मैं आई हूँ, ईशु के साथ, भाभी है, भैया है, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा ही है, तो उन लोगों के साथ में ही आई है। तो काफी देर हम लोगों को हो गई है यहाँ इनके पास, अब हमारा जाने का टाइम हो गया अब ये लोग जाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो इनकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इन्हें कमेंट करके भी बताना इनकी वीडियो कैसी लग रही है, और जो आपको कुछ चीज में चेंज लाना हो तो वो भी बताना। ये अच्छे अच्छे व्लॉग्स और लेके आएंगी आप लोगों के लिए, जैसा आपको चाहिए वैसे ही व्लॉग लेके आएंगी, तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक भी कर देना वीडियो को। थैंक यू थैंक यू। अब हम ये चले जाएंगे अपने घर, फिर मैं जाने का बनाऊंगी, मुझे भी सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है, याद से कर लेना। हाँ भूलना नहीं है। हाँ भूलना नहीं है मुझे तो वो वाला हिसाब। अगर मेरा बर्थडे भी आएगा ना, मुझे एक महीने पहले से याद दिला देना भाई, उस तारीख को मेरा बर्थडे याद रखियो। कभी भूल जाओ तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना इनके चैनल को। बाय बाय, मिलती हूँ घर जाके आप लोगों से फिर। बाय। खूब सारी बातें हुई, उसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं क्योंकि कई घंटे हम लोग वहाँ रुके थे, तो हमारा चलने का टाइम आ गया है। अब हम वहाँ से उनको बाय करके आ गए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं नहर पे, ये है गंग नहर। और यहाँ का वीडियो मैंने आप लोगों को इसलिए दिखा रही थी क्योंकि यहाँ से ही गंग नहर से जो दिल्ली में पानी सप्लाई होता है ना पीने वाला, इसी गंग नहर से ही सप्लाई होता है। और इसका नाम भी गंग नहर इसलिए रखा गया कि ये हरिद्वार से सीधी जो हर की पैड़ी है वहाँ से निकली हुई है। ये आप लोग जो भी हरिद्वार गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वहाँ से हर की पौड़ी से ही निकली हुई है बराबर से ही, और सीधी आती है गंग नहर ये। तो यहाँ से पानी दिल्ली के लिए सप्लाई होता है पीने के लिए इसी जगह से। और मैं यहाँ पे बैठ करके वीडियो मतलब देव बना रही थी इशू में नया पर से बनाई तो थी अभी। मतलब तो यूज भी नहीं करा ढंग से, यहाँ पर आप सुन रहे होंगे मैं यीशु कह रही थी मम्मी पानी में गिर जाओगी वहाँ पहले तो, फिर उसके बाद बोल रही है मेरा पर्स है मम्मी पर्स पानी में गिर जाएगा। मैंने यहाँ ये अच्छा है कि मम्मी पानी में पड़े गिर जाओ, पर्स नहीं गिरना चाहिए, कह रही यूज नहीं किया। तो वही हंस रहे थे, हम यहाँ से पुल पार करके उस साइड में जाना है क्योंकि हमें फिर इधर से ही सीधा गाजियाबाद के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट कर दी थी, ये देखो यहाँ से ही मतलब जाता है पानी, आप देख रहे होंगे सीधा तो गंग नहर के लिए निकल गया, यहाँ से फिर साइड से आगे जा करके यहाँ पे पूरा अच्छे से प्लांट लगाया हुआ है, पानी ये साफ करा जाता है दवाई वगैरह जो भी डाल करके, वो मुझे पता नहीं क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद में फिर पाइपलाइन डली हुई है जो सीधा दिल्ली पानी जाता है, यहाँ से ये पूरा नाम डाला हुआ है। तो वही हम लोग आपको दिखा रहे थे। फिर उसके बाद में हम लोग गाजियाबाद वापस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये खेत बहुत हरा भरा यहाँ पे सीन था, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। हम लोग घर आ गए, वहां से घर आ गए थे हम लोग 5:30 बजे के आसपास घर पहुंच गए थे। फिर उसके बाद वही अपना खाना पीना हुआ, रात का काम सब कंप्लीट हो गया है। तो मेरा वीडियो एंड करने का भी आप सबको पता है कि मैं रात को ही वीडियो एंड करती हूँ अपना। और आज गन्नू को भी हो रहा था कि मतलब कई दिनों से ना गला बहुत भारी से हो रहा है, आवाज और ज्यादा भारी आ रही होगी आप लोगों को, पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा दोबारा से क्योंकि गले में मेरे में दिक्कत हो जाती है, बीच बीच में दवा खानी ही होती है मुझे, और जो कि मेरी दवा खत्म हो रही है, तो प्लीज माइंड मत करना। और बीच बीच में भी मैं उनके घर गई थी, वहां हमने बातचीत करी थी, थोड़ा होता है ना कि जिनको मैं वीडियो देख मतलब देखती थी और उनको आज सामने बैठ करके, तो मेरे से नहीं ज्यादा बोला गया था उतना, तो प्लीज आप लोग माइंड मत करना। जैसा वीडियो भी लगा प्लीज कैसा लगा कमेंट करके बताना, और प्लीज प्लीज सब सपोर्ट करना। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आज अंशु आपसे मिल करके, और मैं खुश भी हूँ। और हम लोग पूरे रास्ते सच में ही ऐसा नहीं था कि खाली वीडियो में दिखाने के लिए बताने के लिए, नहीं आप हमसे मिल भी लिए हो। हम लोग आपसे आपकी सबकी बहुत तारीफें करते हुए, भैया भाभी हम सब लोग बहुत अच्छा लगा था सबको, भैया भाभी को भी, भाभी ने तो बहुत मतलब बहुत खुश थी क्योंकि बहुत ज्यादा अंशु को मतलब प्यार करती हूँ, हमेशा उनकी वीडियो देख करके बहुत खुश होती थी। उनको लगता है कि मुझे अंशु की ना आवाज ऐसा लगता है जैसे रेडियो मिर्ची पे नहीं बोलती है, कह रही मुझे बहुत प्यारी आवाज लगती है, और आज सामने से मिल लिया तो वो बहुत खुश थी। और मेरा रीजन भी यही था भाभी को साथ ले जाने का भी, क्योंकि हमेशा उन्होंने ही सबकी वीडियो के बारे में मुझे बताया, मैंने तभी देखना चालू करी है, तो सबसे पहले तो उन्हीं को ही मिलना बनता था। तो भाभी को भी लेकर के गई थी मैं, चलो मैं तो मिल के आऊंगी, आपका भी मिलना हो जाएगा। तो प्लीज कैसा मेरा वीडियो लगा बताना, प्लीज जो न्यू है मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो रखती हूँ मैं अपने वीडियो का, एंड करती हूँ इसी के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।